गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से ज्वारीय वनों के बारे में। ज्वारीय वन क्या होते हैं, भारत में ज्वारीय वन कहाँ पे है और उनकी क्या विशेषता है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ज्वारीय वन के क्या क्या नाम हो सकते हैं, ज्वारीय वन को और किस नाम से जान, यानी डेल्टा, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा वन के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन कहते हैं अनूप वन के नाम से भी इनको जानते हैं, अनूप वन, या इनको अपन जानते हैं मैग्रोव वन के नाम में, मैग्रोव और वन, या इनको अपन नाम से जानते हैं वेलांचली, वेलांचली वन। देखो इनके कई सारे नाम हैं, ज्वारीय वन के हो, चाहे डेल्टा वन के हो, चाहे अनूप वन के हो, चाहे मैग्रोव वन के हो, चाहे आप वेलांचली वन के हो, ये सारे नाम किनके, ज्वारीय वन के। ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे स्थल भाग और जल भाग जहाँ मिलता है, तो वहाँ समुद्र तटीय भाग या अपन कह सकते हैं दलदल वाला क्षेत्र, चाहे नदी का हो, जल और स्थल भाग जहाँ मिलते हैं वहाँ का दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से अपन भारत में बात की जाए वितरण क्षेत्र की, तो अपन बात करते हैं सुंदरवन का डेल्टा, और ये सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अपन कहेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जितनी भी जो नदियाँ हैं, ये पूरी तट पर जहाँ पर आपका समुद्र में जल मिलाती है, विसर्जन करती है, तो वहाँ जो डेल्टाई क्षेत्र है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, सीधा मैं लिख देता हूँ नदियों के डेल्टा, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, और मुख्य रूप से पूछा जाए गोदावरी, कृष्णा। फिर अपन बात करेंगे इधर पश्चिम भाग में, इधर अपन बात करेंगे कच्छ, कच्छ के रण, यानी अपन बात करेंगे मुख्य रूप से खंबात खाड़ी, यहाँ पे जो आपके हैं गुजरात वाला बॉर्डर और इधर पश्चिमी तट, यहाँ पे आपको वितरण क्षेत्र के रूप में भारत में आपको क्या मिलेंगे, ज्वारीय वन मिलेंगे। भारत में इनका 4,992 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुए हैं, कितने, 4,992 वर्ग किलोमीटर। इनकी क्या विशेषता है, ये देखो, समुद्री क्षेत्र के पास वाले क्षेत्र, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनको आर्द्र वनों के नाम से भी जानते हैं, और इनको इनकी जो जड़ें हैं पानी के ऊपर तैरती रहती है, ये सदाबहार हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, ये मैग्रोव वनस्पति जिनको अपन ज्वारीय डेल्टा वनस्पति कहते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के अंदर की ऑक्सीजन को लेते हैं और ये दलदल क्षेत्र में उगते हैं और ये हरे भरे रहते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषता मुख्य रूप से आर्द्र क्षेत्रों में। और इनके वृक्षों के नाम जैसे मैग्रोव है, सुंदरी वन है, आपका फोनिक्स वन है, रोजीफोरा है, सोनेरिटा है, गोरेन है, ये इनके मुख्य वनस्पति है, इनके मुख्य वृक्ष है, ये आपको इनके नाम, और ये सुंदरी वृक्ष के नाम पर इन वनों की अधिकता होने के कारण पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा क्षेत्र है उसको अपन सुंदर वन डेल्टा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा क्षेत्र है वो सुंदर वन डेल्टा क्षेत्र वो पश्चिम बंगाल का गंगा नदी के मुहाने पर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए ज्वारीय वन की विशेषताओं के बारे में। और ज्वारीय वन को अपन क्या कहते हैं, पृथ्वी की किडनी कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी की किडनी, ज्वारीय वनों को क्या कहते हैं, पृथ्वी की किडनी, पृथ्वी की किडनी के नाम से भी इनको अपन जानते हैं, पृथ्वी की किडनी के नाम से कौन से वनों को जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना ज्वारीय वन। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।